हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्टील के ऊष्माोपचार की। आखिर ये स्टील का ऊष्माोपचार कैसी क्रिया है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टील पर, अर्थात इस बात पर। ऊष्माोपचार बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही सरल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। क्या है ऊष्माोपचार वास्तव में? इस बात को जब हम यांत्रिक रूप में, अर्थात उससे हम तमाम प्रकार के यंत्रों का निर्माण उससे करते हैं, तो ऐसे में उसका यांत्रिक गुण ऊष्माोपचार पर ही निर्भर करता है। बिना ऊष्माोपचार के हम यंत्रों का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के स्टील का उपयोग आवश्यक होता है हमें यंत्रों का निर्माण करने में। कभी छुरी बनाना हुआ, कभी चाकू बनाना हुआ, तो कभी कांटे बनाना हुआ, तो कभी तलवार बनाना हुआ। आप समझ सकते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर, एक ब्लेड से लेकर हम बड़े बड़े यंत्र भी इस्पात से निर्मित कर सकते हैं। ऐसे में इस्पात एक ही रूप में हर किसी यंत्र को बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमें इस्पात का ऊष्माोपचार करना पड़ता है। अब ऊष्माोपचार है क्या? बड़ा सिंपल चीज है। इस्पात को ऊष्मा देकर उसे पुनः ठंडा करिए, पहले गर्म करिए और फिर ठंडा करिए। अगर हमारा इस्पात मुलायम है यानी सॉफ्ट है और वो हार्ड हो जाता है, अथवा हार्ड है और वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इसी क्रिया को ऊष्माोपचार कहा जाता है। बड़ा सिंपल, फिर से समझिएगा। इस्पात को ऊष्मा की सहायता से मृदु से कठोर अथवा कठोर से मृदु रूप में परिवर्तित करना ही क्या है? ऊष्माोपचार है। ठीक, समझ में आ गया होगा ऊष्माोपचार क्या है, क्या कैसे समझना है हमें, कैसे बोलना है हमें, कैसे डिफाइन करना है हमें। तो बहुत ही सरल शब्दों में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस्पात को ऊष्मा की सहायता से मृदु से कठोर अथवा कठोर से मृदु रूप में परिवर्तित करना ही ऊष्माोपचार है। तो ऐसे में अगर हम ऊष्माोपचार करते हैं तो इनमें भी कई क्रियाएं होती हैं। ऊष्माोपचार के दौरान कई क्रियाएं होती हैं, कई क्रियाओं के रूप में हम ऊष्माोपचार करते हैं। आखिर वो कौन कौन सी क्रिया है ऊष्माोपचार की? तो इसमें से तीन मुख्य क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी वो तीन मुख्य क्रियाएं हैं? पहला, इस्पात का कठोरीकरण, हार्डनिंग। अगर हम स्टील का हार्डनिंग करें तो यह हार्डनिंग ऊष्माोपचार के जरिए ही किया जा सकता है, ऊष्माोपचार क्रिया के दौरान ही संभव है। दूसरा है अनिलीकरण, या फिर तापानुशीतन भी कहते हैं। तापानुशीतन के माध्यम से भी हम इस्पात को परिवर्तित कर सकते हैं, एक दूसरे रूप में ले जा सकते हैं, उसके गुणों में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे में तापानुशीतन भी आपका ऊष्माोपचार के तहत ही आता है, उसी के दौरान यह क्रिया संभव होती है। तीसरा हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस के जरिए हम अलग अलग कलर के ऑक्साइड की सतह होती है, उनके अंदर लेयर होता है इस बात का, तो इनको अलग अलग कलर के माध्यम से पहचानते हैं और उसी के माध्यम से इनकी वैरायटी को हम विभेद करते हैं। तो ये क्रिया भी आपका ऑलरेडी टेम्परिंग के नाम से जाना जाता है, आगे इसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो टेम्परिंग भी ऊष्माोपचार के दौरान ही होती है, अर्थात ऊष्माोपचार के अंतर्गत ही आती है। तो ये तीन मुख्य क्रियाओं को हमें समझना है ऊष्माोपचार के दौरान। आइए समझते हैं कि आखिर इस्पात के अंदर ऐसे कौन से घटक होते हैं जो ऊष्माोपचार के दौरान परिवर्तित हो जाते हैं और उनके परिवर्तन से इस्पात मृदु से कठोर अथवा कठोर से मृदु हो जाता है। ये कौन से घटक होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? तो आप जानते हैं कि इस्पात में दो प्रकार का घटक पाया जाता है। एक को हम कहते हैं सीमेंटाइट। सीमेंटाइट इस्पात में सीमेंटाइट फॉर्म में पदार्थ रह सकता है, यानी सीमेंटाइट आपका उपस्थित हो सकता है, अथवा इस्पात में आस्टिनाइट हो सकता है। दूसरा पदार्थ कौन सा है? आस्टिनाइट। अब अगर आपके इस्पात में
सीमेंटाइट प्रेजेंट है, सीमेंटाइट यदि उपस्थित है तो इसकी वजह से आपका इस्पात मृदु होगा, सॉफ्ट होगा। यानी सॉफ्टता का कारण, मृदुलता का जो कारण है, सॉफ्टनेस का जो मूल रीजन है वो कौन सा है? सीमेंटाइट। सीमेंटाइट की वजह से ही इस्पात कैसा होता है? मृदु होता है, राइट। और अगर इसमें कठोरता हो रही है, यानी हमारा इस्पात कुछ कठोर बन रहा है, तो कठोरता का कारण क्या है, किसकी वजह से वो कठोर बनेगा? तो उसमें हमारा जो घटक आता है आस्टिनाइट। अगर आस्टिनाइट प्रेजेंट हुआ किसके अंदर? इस्पात के अंदर, तो वो इस्पात आपका क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, क्योंकि आस्टिनाइट कठोर होता है और इसी की वजह से हमारा इस्पात भी कठोर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मृदुलता का कारण कौन होगा? मृदुलता का कारण सीमेंटाइट होगा और कठोरता का कारण आस्टिनाइट होगा। ध्यान रखना होगा इस बात को, परिवर्तन सीमेंटाइट से आस्टिनाइट या आस्टिनाइट से सीमेंटाइट में होता है, तभी मृदु से कठोर अथवा कठोर से मृदु बनता है हमारा इस्पात। तो इसमें हम सबसे पहले क्रिया पर आते हैं कि आखिर उष्माोपचार की पहली क्रिया कौन सी है। तो उष्माोपचार का पहला जो घटक होगा वो है कठोरीकरण, इस्पात का कठोरीकरण। इस्पात का कठोरीकरण अर्थात हार्डनिंग ऑफ स्टील। स्टील को हार्ड कैसे किया जाता है मृदु से, उसी को हम कहते हैं इस्पात का कठोरीकरण। तो ये क्रिया बड़ा ही सरल है, इसको उष्माोपचार के दौरान किया जा सकता है। और कैसे करते हैं ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत ही सरल शब्दों में इसको आप बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ध्यान रहे, जब हम इस्पात को रक्त तप्त गर्म कर लें, क्या करना होगा? रक्त तप्त हीट कर लीजिए, रेड हॉट कर लीजिए। आपका इस्पात इतना गर्माइए कि पूरा क्या हो जाए? लाल हो जाए। तो ऐसे में रक्त तप्त इस्पात को एकाएक अचानक जल में अथवा तेल में डुबो दीजिए। अचानक अर्थात शीघ्रता से डुबोने के पश्चात वो तेजी से ठंडा हो जाता है। जैसे ही हम इस्पात को, रक्त तप्त इस्पात को तेल अथवा जल में डालते हैं, वो एकाएक ठंडा हो जाता है। यही क्रिया आपका कठोरीकरण कहलाता है। कठोरीकरण क्यों कहलाता है? क्योंकि इस दौरान अगर आपका इस्पात थोड़ा मृदु है तो वो और कठोर और भंगुर हो जाता है, इसीलिए इसको कठोरीकरण कहा जाता है। तो शायद आपको कठोरीकरण के बारे में समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसकी परिभाषा हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, परिभाषा व्यक्त करेंगे। कैसे इसे डिफाइन करना होगा? बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं, रक्त तप्त इस्पात को तेल अथवा जल में डालकर ठंडा करने पर इस्पात कठोर और भंगुर हो जाता है। इसी क्रिया को इस्पात का कठोरीकरण या हार्डनिंग ऑफ स्टील कहा जाता है। समझ गए ना? इस क्रिया के दौरान हमारा इस्पात किस रूप में बदल जाएगा? कठोर हो जाएगा और भंगुर हो जाएगा। अर्थात अगर हम उसको ठोकर देंगे तो ऐसे में वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जबकि इससे पहले जब वो कुछ मृदु था, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण था, तो उस समय वो टूट मारने पर या ठोकर देने पर वो टूट नहीं रहा था, वो आपका बिखर नहीं रहा था। तो इस तरीके का परिवर्तन हार्डिंग करने से हो जाता है। अब हम अच्छा यहां समझ सकते हो कि हार्डिंग किसकी वजह से हुआ? आपका सीमेंटाइट, जब आपका रक्त तप्त इस बात को हमने क्या किया, जल में अथवा तेल में डाला और ठंडा हुआ, तो उस समय आपका सीमेंटाइट किस में बदल गया? आस्टिनाइट में बदल गया, और इसीलिए आपका इस्पात कैसा हो गया? कठोर हो गया। तो ये था कठोरीकरण। अब दूसरे घटक की हम बात करते हैं। दूसरा घटक क्या है, अर्थात दूसरी क्रिया कौन सी है उष्माोपचार की? वो है अनिलीकरण, इस्पात का अनिलीकरण, या हिंदी में हम तापानुशीतन भी कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, विशेषकर परीक्षा में टिप्पणी के रूप में, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो तापानुशीतन क्या है, अनिलीकरण क्या है, अनिलीन क्या है, इस पर विचार करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी परिभाषा कुछ इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है मैं आपको अंततः बताने वाला हूं। तो पहले तो परिभाषा जान लीजिए, कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा।
रक्त तप्त इस्पात को, ये इस प्रक्रिया में भी इस्पात को आप रक्त तप्त कर लेंगे। और फिर अब की बार आपको तेल अथवा जल में नहीं डालना है, फिर क्या करना है, इसको रक्त तप्त करके वायु में रख दीजिए, वायु में रख दीजिए। धीरे धीरे वायु की उपस्थिति में आपका इस्पात ठंडा हो जाएगा, और जब धीरे धीरे वायु की उपस्थिति में ठंडा होता है तो जानते हैं क्या परिवर्तन होता है, आपका इस्पात और मृदु हो जाता है। जहाँ कठोर होना चाहिए वहाँ क्या हो जाता है, मृदुलता उसके अंदर आ जाती है। तो आखिर ये जो मृदुल हो रहा है, मुलायम हो रहा है, ये परिवर्तन किस दौरान हो रहा है, अनिलीकरण के दौरान हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन भी कर सकते हैं आप, परिभाषित कर लीजिए, क्या परिभाषा होगी, रक्त तप्त इस्पात को वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे अर्थात धीमी गति से ठंडा करने पर इस्पात मृदु हो जाता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तापानुशीतन। किसका तापानुशीतन, इस्पात का तापानुशीतन कहते हैं। तो ये है आपका डेफिनेशन, आप इसे भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी बताया गया कि तापानुशीतन के पश्चात आपका स्टील किस रूप में परिवर्तित होगा, इसके गुण में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान रहे, इस दौरान आपका इस्पात मृदु हो जाता है, पहले से और सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट करना है तो क्या करिएगा, तापानुशीतन कर दीजिए। कठोर करना है तो कठोरीकरण कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों क्रियाएं आपको स्पष्ट हो गई। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जब हम अनिलीकरण करते हैं, आप यहां हेडिंग भी लिख सकते हो, इस्पात का तापानुशीतन, अनीलिंग ऑफ स्टील। ध्यान देना, तापानुशीतन जब होता है तो उस समय क्या चेंजिंग होती है इसके घटक में, इसके संगठन में क्या परिवर्तन होता है, यह भी जानना जरूरी है। आपको हमने पीछे बताया है प्रॉपर्टी में कि इस्पात के अंदर आपका आयरन कार्बाइड के रूप में रहता है। किस रूप में आ जाता है, कुछ मात्रा में आयरन कार्बाइड के रूप में आ जाता है, और वही आयरन कार्बाइड अगर टूट जाए, कार्बन को मुक्त कर दे, तो ऐसे में आयरन अगर कार्बन से मुक्त हो जाता है तो आपका आयरन और सॉफ्ट हो जाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका इस्पात थोड़ी बहुत कठोर है, मध्यम कठोरता रखता है, तो उस मध्य कठोरता का मूल कारण क्या है कि उसके अंदर आयरन की कार्बाइड का फॉर्म पाया जाना, यानी आयरन कार्बाइड उपस्थित होता है, इसीलिए थोड़ी बहुत कठोरता उसमें हो जाती है, बन जाती है। अब वो भी कठोरता अगर हम हटाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, क्या करेंगे, आयरन कार्बाइड को अवघटित करा दीजिए। और ये अवघटन कैसे होगा, जब हम रक्त तप्त इस्पात को क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में धीमी गति से ठंडा करेंगे, उसी दौरान आपका आयरन कार्बाइड अवघटित हो जाता है लोहे में और कार्बन में। कार्बन आपका अलग होगा, ग्रेफाइट आपका मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और आयरन अलग हो जाएगा। इस दौरान आयरन और मृदु हो जाएगा और मुलायम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी क्रिया की वजह से हो रहा है, कौन सा परिवर्तन होने के नाते आपका आयरन इस्पात आपका और मृदु हो रहा है। ठीक है, ये आपका